अस्सलामु अलैकुम मम्मी जायका। मैं आज हम बासी रोटी की एक नई और अनोखी रेसिपी लेके आए हैं। रात की बची हुई रोटी को सुखाकर और पीस के हमने इस तरह के गुलाब जामुन बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये गुलाब जामुन ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने मार्केट से ख़रीदे हैं, लेकिन ये रात की बची हुई रोटी के हैं। हर घर में रोज़ रात को कभी ना कभी रोटी बची जाती है, तो आप भी उसे सुखा के इस तरह के गुलाब जामुन या कोई और रेसिपी भी बना सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो लाइक करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी को बना लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 कप पानी डालेंगे, 2 कप या 2 कटोरी ले लें। ये देखिए हमने इस कटोरी के माप से लिया है 2 कप पानी और 2 कप शक्कर। अब हम 2 कप शक्कर ऐड करेंगे, 4 हरी इलायची को हमने इस तरीके से कूट लिया, ये ऐड करेंगे। 8 से 10 हमने केसर के धागे लिए, ये डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और चाशनी जमे नहीं, उसके अंदर क्रिस्टल ना बने, इसके लिए हमने नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ये भी ऐड करेंगे। इस चाशनी को हम उबाल आने तक पकाएंगे। चाशनी के अंदर उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं शक्कर भी धीमे धीमे मेल्ट हो रही है। इस चाशनी को हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। इसको हमें गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपने चाशनी को गाढ़ी रखा तो गुलाब जामुन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ये देखिए उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से ऐसे घुमा के देखें, ये हमें ऑयल की तरह चिपचिपी लगनी चाहिए। अब हम ढक्कन लगा के इसको साइड में रख देते हैं। आज हम जो गुलाब जामुन बना रहे हैं वो सूखी रोटी के बना रहे हैं। ये देखिए रात की रोटी बच गई थी, उसको हमने ऐसे ही खुला रख दिया था, तो ये सूख गई है। इसके हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसे एक जार में डाल के और बारीक पीस लेंगे। ध्यान रखना आपको एकदम बारीक पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी इसको मोटा नहीं रखना है। रोटी का हमने एकदम बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम एक चलनी के अंदर इस रोटी के पाउडर को ऐड करेंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 3 चम्मच गेहूं का आटा, इन सबको हमें छान लेना है। ये जो मोटा भाग बचा है इसे आप साइड में रख दें, आप चाहें तो इसका स्क्रबर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया, इसे भी हमें छान के लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप मावा ले सकते हैं, और मावा भी नहीं हो तो 4 कप दूध को उकाल के 1 कप दूध कर लें और वो ले लें। मिल्क पाउडर, मावा या दूध डालने से गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन जैसा टेस्ट आएगा। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, ध्यान रखना देसी घी डालना है। घी को भी अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने 1 कप गरम दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा इसको डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा ही डाल के तैयार करें। इतने आटे में हमें लगभग 3 चम्मच दूध लगा है। आपकी रोटी के हिसाब से दूध लग सकता है, जैसे आपकी रोटी छोटी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, आप उस हिसाब से इसके अंदर दूध डालें। ये देखिए इसको हमने इतना सॉफ्ट रखा है। अब हम गीले कपड़े से इसको ढक देंगे ताकि ये आटा सूखे नहीं, और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे। 5 मिनट बाद गुलाब जामुन के डो को चेक करेंगे, ये थोड़ा हार्ड हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। गूंद के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे, अच्छे से लगाएं और इसके छोटे छोटे से बॉल्स तोड़ लेंगे और अच्छे से हाथों में घुमाते हुए इसका गोल शेप देंगे। एकदम गुलाब जामुन जैसा हमें शेप देना है, इसमें बिल्कुल भी दरार वगैरह नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई भी दरार नहीं है। सारे गुलाब जामुन को हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये हमने बिल्कुल भी दरार बिना के सारे गुलाब जामुन बना लिए, इसमें दरार नहीं होनी चाहिए,
वरना ये फ्राई करते वक्त फट जाएंगे। गरम ऑयल के अंदर एक एक करके इस बॉल को डालेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी गरम नहीं है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आएंगे। देखिए ये हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। ये हमने सारे गुलाब जामुन को ऑयल के अंदर डाल दिया है। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। जैसे जैसे ये गुलाब जामुन पकेंगे वैसे वैसे तेल के अंदर तैरने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे गुलाब जामुन फ्राई हुए वो ऊपर आ गए हैं। हल्के से हम इनको चला लेंगे और इनको फ्राई होने देंगे। इनके ऊपर हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है, जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है वैसा ही कलर चाहिए हमें। सारे गुलाब जामुनों को हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये हमने चाशनी को हल्का सा गर्म कर लिया। गुलाब जामुन को ठंडी चाशनी में बिल्कुल नहीं डाले क्योंकि ये रोटी के बने हुए हैं। अब हम इस चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के कम 4 से 5 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने देंगे ताकि चाशनी गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने बिल्कुल मार्केट जैसे। गुलाब जामुन को रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए। आप देख सकते हैं ये फूल के कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसे बासी रोटी से बनाए हैं। ये देखिए ये कितने ज़्यादा रसीले हैं और अंदर तक चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।